न्यूज़ क्लिक की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे साहबा हुसैन से। साहबा हुसैन मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लेखिका हैं, कला मर्मज्ञ हैं और साथ ही साथ पत्रकार एक्टिविस्ट गौतम नौलखा की जीवन संगनी हैं। गौतम नौलखा भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद हैं। उन्होंने अभी एक बहुत अहम पत्र लिखा है जिसके बारे में हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। यह पत्र सिर्फ गौतम के बारे में नहीं है, यह पत्र है कि जेल में जो लोग बंद हैं, खास तौर से जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, उन्हें क्या हक मिलने चाहिए, क्या हक मिले हुए थे और किस तरह से उन हकों को हटाकर दूसरे ढंग का एक तंत्र वहां लागू कर दिया गया है। इससे क्या परेशानी गौतम नौलखा को है और बाकी संगी साथियों को है जो लोग वहां पर बंद हैं। यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि भीमा कोरेगांव मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक स्टेन स्वामी की मौत हो गई थी। स्टेन स्वामी अंत तक अदालत से यह अपील करते रहे कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उन्हें वापस रांची अपने आश्रम जाने की इजाज़त दी जाए, वह नहीं मिल पाई। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय वरिष्ठ कवि वरवरा राव जमानत पर हैं, मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें रिहा किया गया है, लेकिन उन्हें भी वापस जेल आना है। सवाल भीमा कोरेगांव का जो पूरा का पूरा मामला है वह एक दूसरे ढंग का टेस्ट केस है कि किस तरह से दलितों के एसर्शन का जो प्रतीक भीमा कोरेगांव रहा है, उसके साथ जिन लोगों को जोड़ा गया, एक साजिश में उसे तब्दील किया गया, जिन 15 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जो लोग जेल में हैं, उनके जो परिजन हैं वह क्या मांग कर रहे हैं, वह क्यों चाहते हैं कि उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो परिजनों से बातचीत का अवसर मिलना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि वे किस हाल में हैं। इन 15 लोगों में से 6 लोगों को, जिसमें गौतम भी शामिल हैं, उन्हें अंडा सेल में डाला गया है, यानी पूरी का पूरा जो उनका मूवमेंट है वह रिस्ट्रिक्ट हो गया है। आइए सुनते हैं कि साहबा इस तमाम घटनाक्रम पर क्या हमसे बात करना चाहती हैं। न्यूज क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है साहबा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने एक पत्र लिखा, अपनी जो चिंताएं हैं गौतम नौलखा को लेकर वो साझा की। अभी क्या स्थिति है गौतम नौलखा की? और आपके पत्र से यह भी जानकारी मिली कि उन्हें नॉर्मल सेल से निकाल के अंडा सेल में डाल दिया गया, तो कोई खास वजह इसकी बताई गई? क्या पीछे सीन क्या है? देखिए भाषा, मैं ये बताऊंगी कि कल ही स्टेटमेंट निकला है और बहुत अच्छी तरह कवर भी किया गया है, और ये जो एक एकदम से आर्बिट्ररी डिसीजन था, दो चीजें हमने रेस की हैं। सबसे बड़ा सेटबैक हमारे लिए ये है कि अचानक, क्योंकि कोविड बेहतर होने की वजह से जेल खुली है मुलाकात के लिए, और उसी जैसे वो खुला तो इन्होंने तय किया कि हम फोन कॉल्स अब बंद कर देंगे, और ये जो डिसीजन है इससे हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। सिर्फ गौतम और मेरी बात नहीं, ये सारे भीमा कोरेगांव के हैं, मेनी प्रिजनर्स, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करने। अब ये मैंने स्टेटमेंट या जो चिट्ठी लिखी वो इसलिए कि भाई हर बात के लिए क्या हम कोर्ट भागे। हमारा पेंडिंग है केस कोर्ट में, गौतम के 2 पिटिशन अभी पेंडिंग है, लिस्टिंग हुई नहीं है। अब हम इसी चीज के लिए भागते रहे अगर कि भाई फोन दिलवा दीजिए, अरे भाई उनको क्यों बंद किया, हमें कोई रीजन नहीं दिया जाता इसमें कि क्यों उन्हें शिफ्ट किया गया। जब गौतम ने मुझे 14 तारीख से 4 दिन पहले, 10 तारीख शायद उन्होंने फोन किया था वीडियो कॉल, तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे 5 जो को अक्यूज्ड हैं उनको शिफ्ट किया गया है अंडर सेल में, और शायद हम दूसरों को भी शिफ्ट करने का इरादा है जेल अथॉरिटीज का। फिर 14 तारीख को गौतम का फोन आया सुबह, और उन्होंने कहा देखो मुझे 2 दिन पहले शिफ्ट किया गया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि फोन कहा गया है मुझे कि ये मेरा आज लास्ट कॉल है। तो वो बहुत परेशान थे और मैं भी चौंक गई थोड़ा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें जाना इतना आसान नहीं है वहां, क्योंकि रूल्स भी बड़े सख्त हैं। यू हैव टू बी डायरेक्टली रिलेटेड, आप उनके रिश्तेदार हो, आप उनकी बीवी हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें से, वो मेरे साथी हैं और हम
जीवन साथी है। तो अब ये समझना थोड़ा, और उसके लिए भी मैं कोर्ट जाऊं या किस तरह मैं जाकर, और 10 मिनट हमें मिलते हैं मुलाकात के, हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप इसको ये या वो मत कहिए, आप कहिए कि जेल जरूर खुली है मुलाकात के लिए, लेकिन इतने प्रिजनर्स हैं वहां जो महाराष्ट्र से नहीं है, बाहर से हैं, उनकी फैमिलीज महाराष्ट्र में नहीं है, वो बाहर रहते हैं, और उम्र भी कई लोगों की ऐसी है कि वो पहुंच नहीं पाते इतनी आसानी से, और बड़ी भीड़ लग जाती है वहां, 2000 प्रिजनर्स को मिलने 4000 लोग आते होंगे, तो आपको सुबह से लाइन में खड़ा होना होता है। तो इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट जारी किया। अब ये है कि हमें वजह नहीं मालूम, गौतम को भी नहीं मालूम कि क्यों शिफ्ट किया गया। एक रिपोर्टर ने स्टेटमेंट के बाद जब कोई अथॉरिटीज को फोन किया जेल में, तो उनसे कहा गया कि ये उनकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि बैरक हमेशा क्राउडेड रहता है, यहाँ कम अज कम हर एक का अपना सेल है, कन्फाइनमेंट है, तो ये ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि उनको हमने डाला। ये नहीं बताया कि हाई सिक्योरिटी, अब उसका मतलब क्या हुआ भाषा, कि वो लाइब्रेरी नहीं जा सकते, कैंटीन नहीं जा सकते, चाहे वो हफ्ते में एक ही बार क्यों ना हो, और जेल से बैरक से निकलते हैं जो 8 घंटे, तो वो खुली जगह घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अब यहाँ ये है कि आप सेल से निकलिए, गौतम ने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरा दम निकालो सेल से मुझे, ये हम थोड़ा चौकन्ने हो गए, क्योंकि गौतम ने बहुत अच्छी तरह समझाया भी है क्या हालात है वहां, तो वो बिल्कुल अंडा सेल के बाहर नहीं आ सकते, वो सर्कल जो है उनका, और हाई वॉल्स अब आपको मिले हैं 8 फुट में भी सेल के बाहर, सीमेंटेड, और आपके अतराफ दीवार खड़ी है। तो वो कह रहे थे मुझे कि 1 मिनट की भी धूप हमें नहीं मिलती है, सूरज तो दिखता ही नहीं है, और पेड़ एक नहीं है, खुली जगह नहीं है, तो वो हेल्थ के लिए भी कंसिडरिंग इज एज, और पहले से ही थोड़ी वल्नरेबिलिटी तो रहती है जेल में आपकी हेल्थ को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप फोन बंद कर दें तो 3-3 हफ्ते मुझे ये भी पता चलेगा गौतम ठीक है कि नहीं, गौतम को कुछ जरूरत है जो मैं यहाँ से भेज सकती हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि चिट्ठी को लगते हैं 15 से 20 दिन पहुंचने। अब मैं देखिए 15 से 20 दिन बिल्कुल, क्योंकि अगर गौतम ने दी हो चिट्ठी तो उसी दिन पोस्ट नहीं होती है, कभी 1 हफ्ता, कभी 10 दिन, कभी 2 हफ्ते बाद पोस्ट होती है, ये हमने देखा है। और सिर्फ मैं नहीं, फैमिली मेंबर्स जो है भीमा कोरेगांव के सब अफेक्टेड हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे लेटर्स ना पहुंच रहे हैं जल्दी और ना हमें। आपकी मांग, तो हमें, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि उन्हें फोन कॉल्स जो उनका हक है वो बिल्कुल रेस्टोर होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, भीमा कोरेगांव प्रिजनर्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही, और जो नॉन रेसिडेंट वहां पर जो महाराष्ट्र के बंदे नहीं है, सब कैद हैं, उनकी फैमिलीज के लिए ये फैसिलिटी उनको मुहैया करनी चाहिए जरूर। और दूसरी बात हमारी कि भाई लेटर्स थोड़ा टाइम पर पहुंचे, और एक बहुत जरूरी बात है सेहत को लेके कि आप जरूर अंडा सेल में वो रखते हैं, हाई सिक्योरिटी हाई रिस्क एरिया है वो, आप बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन 1 घंटा कम से कम धूप लगे, थोड़ी हवा लगे, थोड़ी ऑक्सीजन मिले थोड़ा। अभी सेहत के हिसाब से गौतम नौलखा के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको पता चले, और उनकी आपकी मुलाकात कब हुई है, आखिरी मुलाकात आपकी कब रही, और सेहत को लेकर क्या? हाँ, मेरी मुलाकात तो पिछले साल अप्रैल में हुई थी जब वो सरेंडर किए थे, उसके 2-4 दिन बाद, तब से मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन नवंबर लास्ट ईयर में ये वीडियो कॉल फैसिलिटी मुझे अभी याद है 16 नवंबर शुरू हुई थी, तब से रेगुलरली हम एक दूसरे को देख सकते हैं, और देखते ही पता चलता है बंदा सही है या बीमार है या तबीयत अच्छी है। गौतम वैसे लगते बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको एक चेस्ट में लंप 1 साल हो रहा है, नवंबर में उन्होंने बताया था जेल में कि मुझे ये है और मैं चेक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी है, तो अब 1 साल हो गया है, वो अभी तक वो चाहते हैं कि जसलोक में, क्योंकि और भी जैसे ब्लड प्रेशर, वो कभी गौतम को प्रॉब्लम नहीं था, अब थोड़ा फ्लक्चुएट होने लगा है, ही गेट्स अ लिटिल वरीड, और बहुत जोर की एलर्जी हो जाती है बैठे बिठाए, वो शुरू हो गया, तो and he has a sensitive stomach. Other than that, Gautam's general health, मैं कहूँगी कि ऐसे नहीं कि आपको वहाँ, और ये सब मजबूत बंदे हैं, आपने उनको अंडा सेल डाला तो ये नहीं कि आप
लेकिन क्यों करें ऐसा इनके साथ, वजह तो बताइए। आधे सो हाई रिस्क। तो क्या अभी जो भीमा कोरेगांव के जो 15 लोग हैं वो सारे लोग अंडर सेल में हैं? नहीं नहीं, 6 लोग अभी अंदर हैं। सबसे पहले भेजा गया गौतम से एक हफ्ता 10 दिन पहले अंदर गए वर्नॉन गोंसाल्विस, सुधीर धवाले, रमेश गायचोर, सागर गोरखे और गैडली। छठा गौतम का नंबर था, वो गए हैं अभी। बाकी बाहर दूसरे बैरिक्स में हैं अभी, अरुण फरेरा, हनी बाबू, रोना विल्सन और वरवरा राव अभी बेल पर हैं। तो ये बाकी अभी बताया नहीं है कि क्यों, ये हमें पता है। फोन इसलिए बंद हुए कि जेल मुलाकात शुरू हुई है बस। जी, एक चीज क्या बाकी 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 जो प्रिजनर्स हैं, जो 6-5 लोग और हैं, क्या उनके परिजनों ने भी कुछ अपील आप ही की तरह की है? नहीं, हमने सब मिलके एक स्टेटमेंट तैयार किया जो DIG प्रिजंस को भी भेजा है, और आज मैंने उसकी एक खबर एक अखबार में देखी है, वो शायद फिर से और उभर आए। तो उसमें हमने यही मांग की है कि ये फोन कॉल्स बंद करने से हम सबको बहुत दिक्कत है और प्रिजनर्स को खासतौर पर। एंड दिस इज, ये उनका एक बुनियादी हक है कि आप फोन कॉल कर सकते हैं। एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर यू हैव एवरी राइट। एक चीज और जानना चाहती हूँ सहबा आपसे कि इतना समय हो गया गौतम को भी कैद में रहते हुए, बीच में स्टेन स्वामी चले गए, बाकी लोगों की भी तबीयत खराब है, वरवरा राव भी मेडिकल पर हैं, अभी जो चार्जशीट है जो मामला है वो कहाँ पहुंचा है? कहीं भी नहीं पहुंचा है। कहा जाता है कि ट्रायल शुरू होगा, लेकिन लॉयर्स ने भी ये कहा है कि इतने पेंडिंग केसेस हैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे कोर्ट तक, कि ये पहले रिजॉल्व हो जाएं तभी आप ट्रायल शुरू करते हो। ऐसे कैसे ट्रायल शुरू होगा? और अगर करना है ट्रायल तो हमें बताइए कब शुरू करना है आपको ट्रायल। इट्स नॉट हैपनिंग। अब चार्जशीट बोल के सबके सामने उन्होंने लगा दिया है क्या क्या चार्जेस है, उसके साथ कोई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं कि दीज आर द मेन चार्जेस अगेंस्ट ईच अक्यूज्ड। उससे आगे बात बढ़ी नहीं, लिस्टिंग हो नहीं रही है केसेस की, तो हर चीज में टाइम। तो जुडिशरी बहुत धीरे, द होल लीगल प्रोसेस में। आपकी तरफ के जो वकील हैं जो मदद कर रहे हैं केस में, उनका क्या आकलन है? उन्होंने आपको क्या बताया है? उनका क्या अंदाजा है कितना समय अभी हियरिंग बाकी सारी चीजों में तक लगेगा? कुछ कुछ एक बताना तो मुश्किल है लॉयर्स के लिए भी। ये भी होता है कि कभी फटाफट लिस्टिंग हो जाए तो हियरिंग भी हो जाती है, कभी लिस्टिंग होने में ही 1-1.5 महीना लगता है। लॉयर्स तो अपने लगे हुए हैं कोशिश में कि जल्दी हो, जल्दी रिजॉल्व हो। और सबकी हमारी लड़ाई है क्या कि ये लोग बाहर निकल आए, क्योंकि ये पूरे ऐसे केस लगे हैं उनके ऊपर कि ये तो टाइम का तो हम कह नहीं सकते, ना लॉयर्स ये कह सकते हैं भाई अब से 6 महीने में ये होगा या आगे 2 महीने में। इट्स ऑल कैप्ट ऐसे है भी। सो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम ये खाली उम्मीद कर सकते हैं कि जो सुविधाएं अभी थोड़ी बहुत मिली थी, जो फोन पे आपकी बातचीत हो जाती थी, बाकी परिजनों की भी बातचीत हो जाती थी, वो वापस आए, ताकि एक संवाद भी बना रहे और एक ढांढस बंधा रहे। बहुत जरूरी है उनकी हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए, हमें ये जान के कि वो सही हैं। अब मुझे देखिए, जो पहला लास्ट कॉल आया था 14 तारीख को, अब इस 10 दिन में मुझे पता ही नहीं कि क्या खबर है गौतम की, कैसे हैं, कुछ चाहिए क्या, नथिंग। अब वेट करना पड़ेगा, जब चिट्ठी आएगी तो कभी 20 दिन भी लग सकते हैं, अब तक क्या होगा क्या पता। फिकर तो लगी रहती है आशा, अगर ये शुरू कर दे फैसिलिटी तो हमारे लिए बहुत आसान होगी। कोई रिस्पांस सिस्टम से आपके पास आया? नहीं, अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं आया। उम्मीद तो है, जरूर उम्मीद तो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सहबा हमसे बात करने के लिए, और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि आपने जो मांग उठाई है बाकी सबके साथ मिलकर, इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये बेसिक राइट्स हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी डिमांड भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सॉल्व होने चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि एक आपने जो अहम मुद्दा उठाया है उस पर भी बात होनी चाहिए कि रिलेशंस यानी क्या, क्या लिविंग जो है, लिविंग पार्टनर्स जो हैं, जो लोग साथ रहते हैं, उनकी मान्यता नहीं, दो वयस्क अगर, हाँ, जो दो वयस्क हैं जो खुद कह रहे हैं
गौतम और आप और ऐसे लाखों लोग हैं इस देश में, तो सवाल है कि, और जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देता है, सवाल लिव इन रिलेशन की भी सुप्रीम कोर्ट में मान्यता है और उसको परिधि में लाई गई, तो फिर जो भारतीय जेल है वो कैसे उस अधिकार से किसी को भी पुरुष या स्त्री वंचित रख सकती है, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है जो मुझे लगता है जिसपे बात। हाँ, मैंने वैसे कोशिश की नहीं है जाने की, वहां जाऊंगी तो खुद एक्सपीरियंस होगा कि वो क्या कहते हैं, मिलने देते हैं या नहीं। मैं तो पहले ही कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है थोड़े रूल्स जी, तो जी मुझे जी. पता है कि ये बहुत मुश्किल है और लॉयर्स भी जानते हैं कितना आसान नहीं होगा। जी 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 शुक्रिया, थैंक यू भाषण।